अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्र तीजो की हाल है ठीक ठाक हो बड़िया फरमायशा आई सन पकौड़िया दियाँ कढ़ी दियाँ अज कढ़ी पकौड़े बना के अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल सब का ठीक ठाक हो हरियत नाल तो बहुत सारिया फरमायशा आई हैं कि कढ़ी पकौड़ा दादी अम्मा आखो कि बना के विखाओ अज मेरी दादी माँ कढ़ी पकौड़ा बना के तुम खान दे किस तरीके ने बनाई दे दादी मां जी हुण सब तो पहला केड़ी शै पानी विच सब तो पहला घ्यो पाना ठीक है बिस्मिल्लाह आंडी वास्ते ठीक है भाई जरा कि गर्म चंगा हो गया तो फिर बिच जीरा मसाला पाने फिर उस तो बाद को गंढा शंढा जो मसाला ठीक है दादी मां भुन के फिर मसाला भुना दे मेरा तीन पुत्रा फरमायश की तीर से भी कड़ी तो पकौड़े अज वो बना के तो दादी मां जी घ्यो का लग गया है गर्म हो गया तो हूँ की बिच पाना जे हम जीरा पाना ये तीन चार लौंग ने अद्धी चम्मच सफेद जीरा वे एक कड़ी पत्ता एक मोटी इलाची एक दालचीनी का टुकड़ा जरा खिलाना ठीक सही है क्या दादी मां जी हूँ की बेच पाना जे हूँ बेच गंढे दो पाने ठीक है ए किन्ने गंढे जे दो गंढे ठीक है बिस्मिल्लाह दो गंढे इन्हें नहाँ दादी मैं जी अच्छी तरह भुन लेना है ना ठीक है गंढा प्यासुआ होता है तो मैं आख्या इचना बिच रहा दादी मैं जी किन्नी लस्सी जे एक किलो लस्सी है तो त्रै चमचा पाना में बेसन ठीक है नाले डोई बिच मार लेनी है नाले कर लेनी है ठीक है जी चार चमचा बेसन पा के तो इन्हें दादी मैं चंगी तरह घोल लेना है जी हाँ ठीक है गंढा सुबह हो गया तो मैं एक अदरक की गंढी चम्मच एक ठीक है चम्मच अदरक दी एक थोम दी पा लेनी ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਾਦਰ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਮਚ ਨਿੰਬਕ ਠੀਕ ਹੈ दादी मैं जी हूँ मसाला भुन लेना चंगी तरह जी हाँ थोड़ा थोड़ा पानी लाद रवि ठीक है थोड़ा थोड़ा पानी ला के भुनद रवि क्योंकि पानी एक फसल लाई दे आंडी थले नहीं लगती ठीक है मसाला भुनद रवि दादी मां जी मसाला भुज गया जे जी हां तो हुण की बेच पाणा जे ओड़ा जेड़ा बेसन ते लस्सी लाई सही है इनो बेच लांदे आ रहना ठीक है पा के बेच लांदे आ रहना जी हां बिस्मिल्लाह इनो खिलाना नहीं दादी मां ना ना खिलाना नहीं इनो ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਵੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਸਣ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਤਿਕਣ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿਕਣ ਗੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਨੀ ਚਿਰ ਤਿਕਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਧਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ दादी मां जी हो गई है ते इन लाक हुण पकौड़े बनाइए फिर जा हुण पकौड़े बनाए ठीक है जी।
अच्छा दादी माँ जी आलू किन्ने जे? जी अद्धा किलो आलू जे। ठीक है। पा डेढ़ पालक है। सही है। पालक पाने में डेढ़ भी पा दो। अपनी मर्जी ना ज्यादा ही पा सकने हैं ना? जी हाँ। ठीक है। बिस्मिल्लाह। धनिया भी दादी माँ जी पा? जी हाँ धनिया ही बिच पाना बिस्मिल्लाह। ठीक है। अच्छा और दादी माँ की पाना जे? होना एक बड़ा गंडा। अच्छा ते दो मर्चा त्रै। ठीक है। बिस्मिल्लाह। हूँ बेसन पाना। ठीक है। किन्ना बेसन है? अद्धा किलो। ठीक है अद्धा किलो बेसन। इन्हों डाल लेना। ठीक है। ते दादी माँ जी की दादड़ मर्चा मसाला एक चम्मच सुइया मर्चा दादड़ एक चम्मच हल्दी एक चम्मच सफेद जीरा एक चम्मच सुखी मेथरी एक चम्मच नमक ते एक चम्मच दो चम्मच सुखा धनिया। हूँ सारा मसाला पा दिया तो हूँ इन मिक्स कर लगे हैं रान लगे हैं। बिस्मिल्लाह। पा लिया तो हूँ पकौड़े पका बना लगे हैं। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बन गए हैं माशाल्लाह जी। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े दादा माँ ने बनाए हैं। दादी माँ जी हो गए हैं ये? जी हाँ। चलें जी अभी हम टेस्ट करके भी फिर आपको दिखाते हैं। हमारा तैयार हो गया फाइनल पकौड़े भी और कड़ी भी। दादी माँ जी हूँ तड़का ला लगे हो? जी हाँ। ठीक है। गंढियां का तड़का दादी माँ ला लगे ने नाल कड़ी पत्ता वे ते सरफे जीरा सुरख मर्चा ते कलवंजी। दादी माँ जी हो गया गंडा? जी हाँ हो गया। ए और ये कलबंजी के सुइयां मर्चा ने दूजा गर्म मसाला दे लो जी हो गया। तो हूँ दादी माँ तड़का लगा लगे ने कड़ी नू। माशाल्लाह जी तड़का लग गया बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम टेस्ट करने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार बने हैं कड़ी पकौड़े और साथ में हमने पकौड़े में बड़े मज़ेदार बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार ये लगाते हैं। माशाल्लाह दर में बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहे हैं बहुत ही मज़े की बनी होगी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ में दर में ये पकौड़े भी हैं बहुत ही क्रिस्पी दादी में बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार बने हैं।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਆ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਕੜੀ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾਦਮਾ ਬਣੇ ਹੈ ਚਾਵਲ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਦਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੈ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਮੀਨ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਕੋ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਆਜ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਵਲਾਗ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਦੁਆਓ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼